हम लेंगे दही खट्टा, अच्छा, हींग लेंगे, नमक हल्दी मसाले देख ही रहे हो, और ग्रीन चिल्ली है, 3 से 4 कट करके रख लिए। इसको खट्टा दही लिया हमने, ये 4 जनों के लिए है। अब हम इसको मत लेंगे पहले दही को, जिससे कोई भी गांठ नहीं रहे, बिल्कुल एक साल हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा पानी को पतला, हमने इसमें जितना दही लिया उस उतना ही पानी मिला दिया, क्योंकि हमारा दही पहले खट्टा है तो ये नॉर्मल हो जाए। अगर हमारे पास दही नहीं है तो हम छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी पतली है, और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं स्पून से कि आपको कितना खट्टा चाहिए। हम इस बनी हुई छाछ के अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला हमने, 1 चुटकी हल्दी डाली, क्योंकि बेसन का कलर भी पीला होता है तो हम हल्दी कमी इस्तेमाल करेंगे। एक चौथाई जीरा डालेंगे इसके अंदर, इसका टेस्ट जीरे से बहुत ही अच्छा आएगा। देख रहे हैं आप, ये शुद्ध हींग, हम इसका यूज़ ज़रा सा करेंगे, हम छौंक में नहीं डाल के इस घोल के अंदर ही हींग डाल देंगे। देख रहे हैं आप कितनी सी हींग ली है मैंने, 1 पिंच बोल सकते हैं आप इसको। अब हम बेसन डालेंगे, पहले से छना हुआ, बेसन घर का पिसा हुआ है चने की दाल से। हमने 2.5 बड़े चम्मच बेसन लिया इसके अंदर, 1.5 लीटर छाछ के अंदर हमने 2.5 चम्मच बेसन लिया। अब हमने इसको अच्छे से मिला दिया, कोई गांठ नहीं रह पाए तब तक इसको हमें मथना है। अब हम इस घोल को कढ़ी के गैस पे चढ़ा देंगे, और आँच, गैस की आँच बिल्कुल धीमे कर देंगे। आप देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कर रखा है मैंने, और आँच चालू करने के साथ ही कढ़ी को लगातार चलाते रहना है बिल्कुल धीमी आँच पर, और चम्मच हमारा बिल्कुल तले से लगा हुआ होना चाहिए पैदे में, और एक ही दिशा में हमें इसको चलाते रहना है, और तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। इसमें हम लाल मिर्च की जगह ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। जब ये उबलने लगेगी तब हमने जो कटी हुई हरी मिर्च रखी है वो हम इसमें डाल देंगे, वो इसके साथ ही उबल के इसको इसमें तीखापन ला देगी। हल्के हल्के धुएँ उठने चालू हो गए, इसका मतलब अब इसमें उबाल आने वाला है। तो अब हम ये जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी ये सब इसी के अंदर डाल देंगे, और इसके साथ ही इसको उबाल लेंगे, जिससे इसका तीखापन इस कढ़ी में हो जाए, और लाल मिर्च हमको कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े। आने वाला है, आप देख रहे हैं, हमें इसे हिलाते हुए 1/2 घंटा करीब हो गया है लो फ्लेम पे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि उबाल आ गया है। अब हम इसको 5 मिनट इस तरह से करते रहेंगे, जिससे ये और अच्छा टेस्ट आ जाए इसके अंदर। अभी हमने आँच भी बढ़ा दी है गैस की,
पर ध्यान रखना है कि कड़ी उफन कर बाहर नहीं आ जाए, जिस तरह से दूध बाहर निकल आता है। जैसे ऊपर आने लगे आपको आँच कम कर देनी है। ये जितनी पकती है, हम कड़ी को जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी टेस्टी बनती है। देखा आपने, ऊपर आने लगा तो मैंने आँच कम कर दी इसकी। इस एक चीज़ हमें इसको हिलाते हुए एक भी बार छोड़ना नहीं है बीच में, अगर तेरी कड़ी फट जाती है, बेसन अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा इसका, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है टेस्ट में। सौंफ लगाएंगे, जिसके लिए हमें घी लेना है बिल्कुल एक आधा टीस्पून। देखिए आप, जैसे ही ये गर्म हो जाता है हम इसमें सरसों के दाने तड़काएंगे। एक हाफ टी स्पून सरसों के दाने लिए हमने और ये तड़क गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम लेंगे लाल मिर्च, जो कि हमें बहुत कम लेनी है। आप देख रहे हैं आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। हम कटोरी को हाथ में रखेंगे पकड़ के और ये लाल मिर्च इस गरम घी के अंदर डाल देंगे और इसको तुरंत हिला के और इसके अंदर छौंक दे देना है। अब हम इस हमारी कड़ी बन के तैयार है। बस इस खाने के लिए अब हम इसमें हरी धनिया, अगर घर में पड़ी है तो आप काट के इसमें हरी धनिया डाल सकते हैं।